वाओ, पैकिंग तो काफी अच्छा है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल लाइफ ऑफ प्योर डिंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज 15th अगस्त 2021, तो सबसे पहले मैं सबको विश करना चाहूंगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, प्राउड टू बी इंडियन, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो में एक प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो होने वाला है। या दोस्तों, मैंने एक एशियन मैन का रनिंग शू मंगाया, यानी कि स्पोर्ट्स शू, जॉगिंग शू, ट्रेनिंग शू, वॉकिंग शू, कुछ भी कहिए, तो वो एशियन रनिंग शू मेरे यहाँ पर ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। तो सबसे पहले मैं एक चीज कह देता हूँ, क्योंकि प्रमोशन वीडियो नहीं है, नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो, ये मेरा खुद का सामान है, खुद का पैसा खरीदा हुआ, खुद के इस्तेमाल के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कहूँगा कि मैंने ये एशियन रनिंग शू कहाँ से खरीदा, इसका क्वालिटी कैसा है, डिटेल्स रिव्यू, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका प्राइस मुझे कितना पड़ा, मतलब कितना डील वगैरह में मैंने खरीदा, तो सब कुछ डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट देखिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये पैकेज जो है कुरियर से आया, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि पैकिंग वगैरह कैसा है। तो साइड वाइज सब कुछ ठीक ठाक है, बॉक्स कहीं पे उतना टेम्पर नहीं हुआ, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी में है चारों ओर से। एक बार इसका अपोजिट साइड में भी देख लेते हैं कैसा आया है, तो इधर भी ठीक ठाक आया है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकिंग तो काफ़ी अच्छा है, अब देख लेते हैं इस बॉक्स के अलावा और क्या कुछ आया है। तो यहाँ पे एक बिल आया है, इनवॉइस में आपको लास्ट में दिखाऊंगा कितना प्राइस पड़ा, और तो कुछ है नहीं, तो इसको साइड करते हैं। अब देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह है। तो यहाँ पे लिखा है आई एस ओ 9001:2008 सर्टिफाइड कंपनी, यहाँ पे एशियन का ब्रांडिंग है, रजिस्टर्ड है, प्रीमियम स्पोर्ट्स वेयर लिखा है, यहाँ पे वीरेंद्र सेवक का फोटो है जो कि इनका ब्रांड एम्बेसडर है, यहाँ पे लिखा है प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखा है इंडियाज फेवरेट स्पोर्ट्स शू ब्रांड। तो बस यही है यहाँ पे। आप देखते हैं साइड वाइज क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ वीरेंद्र सेवक का सिग्नेचर है, बाकी सब कुछ सेम है। इधर भी सब कुछ सेम टू सेम है, देख सकते हैं इधर भी सेम है। अब आ जाते हैं इधर, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कोड वगैरह है। अब यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, जैसे कि इसका ब्रांड है एशियन, कलर कोड है ग्रे, फ्यूचर 01, इसका मॉडल नंबर है, साइज़ है 9, और इसका लेंथ होता है 28 सेंटीमीटर, तो एकदम ठीक ठाक होता है। और यहाँ पे वन पेयर शू है, और ये जो प्रोडक्ट है June 2021 का, मतलब कि एकदम रिसेंट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे कुछ लिखा है जैसे कि मैनुफैक्चर मार्केटिंग एशियन फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे इसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है। और इसका जो MRP है 649, लेकिन मैंने बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में खरीदा, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। और पीछे तरफ उतना कुछ खास कुछ है नहीं, तो बस ऐसा ही कुछ बॉक्स आया है। तो चलिए आप इसको खोल कर देखते हैं शू कैसा है। वाओ, पैकिंग तो काफ़ी अच्छा है, तो खोलते ही वाओ, लवली शूज़, ब्यूटीफुल कलर, मुझे तो कलर बहुत ही पसंद आया। तो पेयर ऑफ शूज़ है, तो चलिए शूज़ को निकालता है, देखते हैं अंदर और क्या कुछ है। तो ये है इसका शूज़, और अंदर बॉक्स में कुछ है नहीं, तो अब शूज़ को देखेंगे, बॉक्स को साइड करते हैं। तो ये है राइट साइड वाला शू, तो चलिए देखते हैं कैसा है। तो बहुत ही लाइट वेट है, और बहुत ही सॉफ्ट है, और इसका सोल भी काफ़ी अच्छा है, हार्डी सोल है, इतना जल्दा फटेगा नहीं, और ग्रिप्स भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पेस्टिंग वगैरह है काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं पेस्टिंग, तो पेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो है सिंथेटिक लेदर फिनिश है, और इधर मेशी है, और थोड़ा सा गंदा है यहाँ पे, ये साफ़ हो जाएगा। और अंदर में भी कुशनिंग बहुत ही अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे पेपर डाल दिया हम लोग, इसको निकालता तो देखिए अंदर में भी कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, और लेसेस भी है अंदर, तो काफ़ी अच्छा है लेसेस भी, लेस क्वालिटी। और पीछे तरफ कुछ ऐसा है, देख सकते हैं यहाँ पे एशियन का ब्रांडिंग, और यहाँ पे सब डिज़ाइन वगैरह है, और ये थोड़ा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइट लगने से रात में चमकेगा, तो काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है एशियन का एक ब्रांडिंग है, मेरा तशन, मेरा एशियन, वीरेंद्र सेवक जी है, और यहाँ पे कुछ सोशल नेटवर्किंग है इस कंपनी का, मेड इन इंडिया। और इधर कुछ इसका प्रॉपर्टीज लिखा है, जैसे कि देख सकते हैं हाई क्वालिटी ब्रीदेबल फैब्रिक, XFM 2 अल्ट्रा सॉफ्ट कुशन शोल है, और एयर कूल्ड कुशन इनसाइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं डायनामिक सपोर्ट सिस्टम, इंश्योर प्रिसाइज बैलेंस, मतलब बैलेंस अच्छा रहेगा आपका दौड़ने का समय, और लाइट वेट सेक्शनिंग, इजी रनिंग इन इज नाउ इजियर, तो आराम से आप दौड़ सकते हैं। और सेल्फ ब्रीदिंग कुशन है, इंश्योर मैक्सिमम कंफर्ट
विदाउट एनी ऑर्डर, मतलब स्मेल नहीं होगा अंदर। और सामने से कुछ ऐसा लगता है, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा गम लगा है, ये सब पोंछने से चला जाएगा। तो ओवरऑल फिनिशिंग तो काफ़ी अच्छा है शूज़ का। और अंदर कुछ ऐसा कुछ लिखा है, एशियन सोल फ्लेक्स रन, साइज है इसका 9। और अंदर कुशनिंग मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही सॉफ्ट कुशनड है। और यहाँ पे जो अंदर में जो फोम है ये भी अच्छा है। तो ये बड़ा दूसरा पेयर है, देख लेते हैं इसका भी क्वालिटी। इसका भी पेस्टिंग काफ़ी है, लाइट वेट और मेशी है, लेसेस अच्छा है, ये भी सिंथेटिक लेदर है। और कलर मुझे बहुत पसंद है, ग्रे कलर। और सोल तो काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं पेस्टिंग वगैरह, स्टिचेस वगैरह सब कुछ सही है दोनों शूज़ में। स्टिचेस देख सकते हैं, स्टिचेस वगैरह काफ़ी अच्छा है दोनों शूज़ में। और इसके अंदर में भी पेपर वगैरह है, निकाल कर देखते हैं। यहाँ पे एशियन का कुछ ब्रांडिंग है और अंदर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। और यहाँ पे भी वही सब लिखा है सेम। और ये भी सॉफ्ट है और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है, तो रनिंग जॉगिंग सब कुछ सही होगा। और इसका सोल भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा पसंद आया ये शूज़। देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लगता है, पीछे से कुछ ऐसा लगता है, साइड वाइज ऐसा कुछ लगता है और सामने से ऐसा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा। यहाँ पे भी एशियन का ब्रांडिंग है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एशियन फ्यूचर 01 रनिंग शूज़ फॉर मेन ग्रे कलर हमने flipkart.com से ख़रीदा है। और ये फ्लिपकार्ट एश्योर्ड भी था और इसका MRP था 649 रुपीज़, लेकिन स्पेशल प्राइस में मिल रहा था 539 रुपीज़ पे। और पेटीएम से पे करने पर 50 रुपीज़ का इंस्टेंट कैशबैक था, तो टोटल मुझे पड़ा 489 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों ये जो शूज़ है एक्चुअली ये मैंने अपने पापा के लिए मंगवाए थे, इसीलिए लाइट कलर में ग्रे कलर लिया, कलर भी बहुत अच्छा है। तो पापा को बहुत ही पसंद आया, बहुत ही कंफर्टेबल है और मुझे भी बहुत पसंद आया कि जो प्राइस में मिला और जो इसका क्वालिटी है, डिटेल रिव्यू तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया। तो आशा करता हूँ आपको भी ये शूज़ पसंद आया है। तो अगर आप कम बजट में शूज़ लेना चाहते हो तो आप एशियन रनिंग शूज़ ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं और इस तरह का और भी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और वो ऑल में नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिले ऐसे मैं वीडियो प्रोड्यूस करूँ। और किसी भी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक थम्स अप तो बनता ही है। और थोड़ा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपना सर्कल में, मतलब थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। और अगर आप कुछ भी कहना चाहते, कोई भी सुझाव वगैरह है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी, बाय बाय।